So, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्लॉगर वैली में। मैं हूं आपका दोस्त सुमित कुमार और अभी मैं खड़ा हूं मयूर विहार 1 मेट्रो स्टेशन पर और अभी जा रहा हूं मैं इंस्टीट्यूट क्लास वगैरह करने के बाद और भी कहीं जाना है। सो बने रहिए इस ब्लॉग में, आने वाला है बहुत ही ज़्यादा मज़ा। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस। सो गाइज, अब मैं जा रहा हूँ एक इवेंट में। जैसा कि आपको पता है, मैं कभी कभी होस्टिंग और एंकरिंग करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली हिमू भाई भी नहीं है इस व्लॉग में क्योंकि उन्हें कुछ काम था, तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी चीज़ें आपको आगे दिखाएंगे, तब तक बने रहिए व्लॉग। तो गाइस, मैं भी पहुंच चुका हूं लोकेशन पर और ये है इवेंट के होस्ट मिस्टर विक्रांत जैन। हेलो गाइस, जो इनकी बेटी है, आज उनका फिफ्थ बर्थडे है। आज वो 5 साल की हो चुकी है। सो ब्लेसिंग्स दीजिएगा मेरी जितनी भी ऑडियंस हैं उनको और इनकी वाइफ नीतू जी भी आने वाली है और ये इनके पेरेंट्स अगन्या के जो है दादा दादी यहाँ पर हैं। एक बार हाय बोल दीजिए मेरी ऑडियंस को। हाय। तो अभी आज अगन्या का बर्थडे है, फिफ्थ बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। सर थोड़ा सा करीब आ जाइए। और ये है अगन्या के दादाजी। सो सर, बच्चे को क्या विशेष देना चाहेंगे? अगन्या हमारी तो जान है बिल्कुल। हम तो यही विशेष करें कि गॉड उसके साथ रहे हमेशा, गॉड की ब्लेसिंग्स उसके ऊपर बनी रहे, हमारा आशीर्वाद भी बना रहे, खूब ज़्यादा उन्नति करे, खुश रहे, खुद भी खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखे। और दादाजी क्या कहना चाहेंगे? चिरंजीव भाव, खुश भाव, स्वस्थ भाव। आजकल यही कह सकते हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आदमी स्वस्थ रहे, है ना। बीमारियाँ इतनी हैं, बच्चे बूढ़े सब परेशान हैं, तो इसलिए हम जो है हमेशा खुश रहें और अपना जीवन में खूब तरक्की करें, खूब पढ़े लिखें और अपने खानदान का, माँ बाप का, सबका नाम रोशन करें। तो अगन्या का फ्यूचर ब्राइट हो, आप सभी इस तरह की प्रेयर करें और उसके लिए कमेंट करें, बहुत सारा प्यार दें बच्चे के लिए, तो फ्यूचर में उसे बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिले। सो ब्लॉग में बने रहिए, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं यहाँ पर, फन एक्टिविटी। और दादी जी भी हमारे साथ डांस करेंगे आज तो फुल, और दादी एक गाना सुनाएंगी और दादाजी भी कुछ करेंगे अपनी बेटी के लिए। हाँ ठीक है, और दादाजी बहुत कुछ करने वाले हैं। तो सारी बात मैं बताऊँगा नहीं, एक्चुअली आप पूरा ब्लॉग देखिएगा, उसमें आपको जानने को मिलेगा क्या क्या होने वाला है इस ब्लॉग में। ये बहुत ही ज़्यादा इन्जॉयबल और फैंटास्टिक ब्लॉग होने वाला है। टिल देन स्टे ट्यूनिंग दस। सो गाइस, हमारा भाई हो गया फुल ऑन रेडी और बताना कैसा लग रहा हो कमेंट में। बस थोड़े ही पल बाद इवेंट होने वाला है शुरू, टकाटक बूम करते वक्त मारो भाई। अनफॉर्चुनेटली हिमू नहीं है इस व्लॉग में, सो उसका बहुत ज़्यादा दुख है। बहरहाल कोई बात नहीं, इसके लिए हम अगली बार करेंगे बात और बोलेंगे हिमू भाई भी किसी इवेंट में हमारे साथ दिखे इस तरह जब मैं होस्टिंग कर रहा हूँ। सो टिल देन स्टे ट्यूनिंग विद अस। सो गाइस, देखिए मुझे इवेंट पर कौन मिला। ये हैं हमारे अमित रामा जी कुमार, डायरेक्टर, एक्टर, राइटर, बहुत सारे नाम हैं इनके। और आप सोच रहे होंगे ये इनसे मेरी मुलाकात यहाँ पर कैसे हो गई। दरअसल इनको इनविटेशन मिला है, ये है इनकी भांजी का बर्थडे और इन्हीं ने मुझे यहाँ पर रिकमेंड किया है कि मैं एक बहुत अच्छा एंकर हूँ। क्या करूँ, अच्छे की पता नहीं पर एंकर है। सो दैट्स इट, आज कुछ वीडियो का पार्ट आज अमित जी शूट करेंगे मेरा वाइल एंकरिंग। उसके पेमेंट इसकी डिडक्शन हो गया, मिलेगा डिडक्शन होकर मिलेगा। सो स्टे ट्यूनिंग विद अस, देखते हैं ब्लॉग का। और इवेंट शुरू होने के बाद शुरू हुए गेम्स जिसमें सभी मेहमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। नंबर 3 ओके, आप चार, ओके आप चार, ओके आप चार, आप चार, आप चार, ओके ओके ओके, ये डालो सबको पता लग गया, ये क्या है, ये सबको पता लग गया, ओके। सो अब सेकंड, ओके सेकंड, बी अलर्ट, ओके सर, थोड़ा सा वाइड रखिए प्लीज, अच्छी वीडियोग्राफी कर। बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं खेल रहे। हाँ बच्चे बच्चे, आ जाइए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओके ओके, अब मुझे नंबर पता लग गया, अब मुझे नंबर पता लग गया, ओके सो रेडी, मेरे साथ लगे, ओके डीजे।
चीटिंग नहीं कर सकते प्लीज। अच्छा और ये भी कोई टाइमर लगा सकता है अपने फोन में? कोई एक और इन नन्हे बच्चों ने दी एक शानदार डांस की परफॉर्मेंस। बच्चों और बच्चों के पापा के साथ खेला मैंने एक गेम जिसमें म्यूजिक बंद होने पर बच्चों को अपनी पापा की गोद में जाना था। जो बच्चा लास्ट में पापा की गोद में आता वो डिस्कवर होता है। तो ये था एक छोटा सा गेम, देखिए एक नज़र इस पर। ममता जी के लिए एक चॉकलेट।
देखिए ये आपको चॉकलेट मिल गया कैडबरी की, वो आ रहा है कैमरामैन के लिए, फोटो लो ना। ओके सो अभी करेंगे केक कटिंग। प्रिंसेस ऑफ द इवनिंग अधन्या।